Hello student, this is the third question of atomic structure and the question is how many protons and neutrons are present in the following nuclei. So basically हमें यहाँ पे 5 nuclei दिए गए हैं और पूछ रहा है हमें किन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है. ओके तो हमने पढ़ रखा है क्या कि एटम का जो सारा का सारा मास होता है वो कहाँ पे होता है कॉन्सेंट्रेटेड, वो होता है उसके न्यूक्लियस में. ठीक है, तो लेट्स से ये क्या इसका न्यूक्लियस. ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या होता है बेसिकली आपका यहाँ पे होता है प्लस चार्ज और यहाँ पे क्या होते हैं आपके न्यूट्रॉन्स. तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एटॉमिक मास इक्वल्स टू एन प्लस पी, वेयर एन इज योर व्हाट न्यूट्रॉन्स और पी प्रोटॉन, और इन दोनों का सम क्या होता है एटॉमिक मास के इक्वल. ओके तो हमें क्या निकालना है, हमें फर्स्ट हमें निकालना है किसे कार्बन के लिए क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन. और एक बात और ध्यान रखना है हमेशा आपको क्या कि जेड इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू ई. ओके फॉर ए न्यूट्रल एटम और यू कैन से मॉलिक्यूल, हियर जेड इज योर व्हाट एटॉमिक नंबर. ओके तो जितना उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे उसमें प्रोटॉन्स और उतने ही क्या होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स. ओके लेकिन किसके लिए, एक न्यूट्रल एटम के लिए. ठीक है, अगर चार्ज हुआ तो फिर ये सब चीज़ें चली जाएंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं किसके लिए, कार्बन के लिए. ओके तो हमें पता है कि कार्बन यहाँ में 13 दिया है, मास 13 दिया गया है. ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है आपका ये आइसोटोप ऑफ कार्बन, आपने पढ़ा होगा C12 C13 C14, तो ये C13 वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे यहाँ पे 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये भी होंगे 6, और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारे 13 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 7. ओके नाउ कम्स टू सेकेंड क्या हमारा ऑक्सीजन 16 8. ठीक है, यहाँ प्रोटॉन कितना होगा आपका 8, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 8, और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके 16 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 8. नाउ कम्स टू ऑप्शन नंबर 3, ये क्या आपका Mg 24 एंड 12. ओके तो प्रोटॉन्स कितने होंगे यहाँ पे 8, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 8, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे आपके 24 माइनस 12 दैट इज 12. नाउ कम्स टू ऑप्शन नंबर 4, आपका Fe है, Fe मतलब आयरन 56 26. तो यहाँ प्रोटॉन्स कितने हो गए आपके 26, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके 26, और न्यूट्रॉन्स में जाएंगे 56 माइनस 26 दैट इज इक्वल्स टू 30. नाउ कम्स टू स्ट्रॉन्सियम, ये आपका Sr 88 और 38. ओके तो यहाँ पे क्या जाएंगे प्रोटॉन्स 38, इलेक्ट्रॉन्स 38, और जो के न्यूट्रॉन्स होंगे वो कितने जाएंगे ओके 88 माइनस 38, 880 एंड 50. तो न्यूट्रॉन्स के जाएंगे हमारे 50. ओके तो ये होता है आपका तरीका किसका, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन निकालने का. अगर यहाँ पे कुछ चार्ज होता है, लेट से हमें दे देता है Mg+2 और हमें निकालना था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन. तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना होता, यहाँ पे प्रोटॉन होता आपका 12, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये जाएंगे 12 माइनस 2, क्योंकि 2 का लॉस हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा 10. और न्यूट्रॉन कितना होगा आपका, ये जाएगा आपका 24 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 12. ओके तो आपको इस तरीके से निकालना होता है जब चार्ज दिया हुआ होता है. होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू.